आप इस वक्त देख रहे हैं दोस्तों आप इस वक्त देख रहे हैं कोसियालों। पूरे शहर में होली की धूम मची हुई है। चारों तरफ लोग रंगों में सराबोर हैं। एक दूसरे के प्रति घुलना मिलना का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में हम भी अपने दर्शकों के लिए कोसियालों पर लेकर आए हैं खूबसूरत सा त्यौहार होली में रंग बिरंगा कार्यक्रम। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ कोसियालों परिवार की मोमिता देवनाथ जी हैं और साथ ही दूसरी तरफ हैं भाग्यश्री जी। हम दोनों खूबसूरत लड़कियों को इसमें शामिल किए हैं कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाने के लिए। खासकर ये हम लोगों के एंकर हैं, हमारी फैमिली से हैं और यहीं से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भाग्यश्री जी आप बताएं। सबसे पहले नमस्ते हमारे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को और होली की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं होली खुशियाँ बाँटने का त्यौहार है और आज के दिन होली के दिन हम सभी को मिलजुल के सारी दुश्मनी को रंजिशों को भूल के खुशियाँ बांटना चाहिए और खुशियाँ मनाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए मोमिता जी का क्या ख्याल है इस होली पर, क्या कहती हैं मोमिता जी? नमस्कार, मैं मोमिता। सुनील जी, होली का नाम सुनते ही मन में एक बहुत ज़्यादा मस्ती भर जाती है। और आप सभी दर्शकों को बता दें होली एक ऐसा त्यौहार है जो कि जात सब कुछ भुला के होली आप किसी के साथ भी खेल सकते हैं। माँ बाप हो, भाई बहन हो, पड़ोसी हो, एक ऐसा खुशियों का त्यौहार है। और आप सबों को बता दें कि होली एक पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारी कथाओं से जुड़ी हुई है जो कि आप हम लोग बोल सकते हैं कि प्रहलाद की कहानी से जुड़ी हुई है, मथुरा वृंदावन की कहानी से जुड़ी हुई है, शिव पार्वती की कहानी से जुड़ी हुई है। तो सुनील जी आप ये बताइए कि मथुरा वृंदावन में जो लठमार जो होली होती है वो किस तरह की होली होती है? बिल्कुल, हम मथुरा की बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ जो एंकर मौजूद हैं इनका चेहरा काफ़ी सुना सुना लग रहा है लेकिन होली में ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, इसलिए क्योंकि कलरफुल करते हैं तभी कलरफुल बातों की शुरुआत होगी। तो हम बिल्कुल आपके प्यारे प्यारे गालों में पहले रंग दें दोनों को। आप हैं भाग्यश्री जी। हाँ, तो आपने पूछा था ममिता जी कि मथुरा में जो होली लठमार खेली जाती है उसके पीछे क्या तथ्य है। तो हम जो हम लोग जानते हैं, हम लोगों का जो ये कहता है, हम लोगों को जो जानकारी है, मथुरा में कहा जाता है कि मथुरा में जो होली खेली जाती है लठमार काफ़ी प्रचलित है और हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें देशी विदेशी सभी लोग शामिल होते हैं, खासकर ये लठमार होली में। इसके पीछे तथ्य ये है कि एक बार ब्रज में ब्रज की महिलाओं ने नंदलाल को आमंत्रण दिया था होली के समय होली खेलने के लिए। तो नंदलाल अपनी पूरी टोली के साथ पहुँच गए ब्रज और ब्रज में उन्होंने जैसे होली खेलने गया तो वहाँ राधा से मिली। तो राधा से मिलते ही होली का जो माहौल शुरू हुआ, जो एक गांव में जो शुरुआत हुई होली के जो गीत संगीत से शुरू होती, उसी बीच में कृष्ण ने नंदलाल ने एक छोटी सी छेड़खानी कर दी राधा के साथ। ये बात मथुरा में सभी महिलाओं को पता चल गया। फिर क्या था, वहाँ की सारी महिलाएं घर से लाठी लेकर निकली और नंदलाल के ऐसी पिटाई की, नंदलाल बचते 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 भाग गए और उसी समय से इस परंपरा की शुरुआत हो गई और लठमार होली आज तक चलती आ रही है और बड़े चाव से, खासकर महिलाएं बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, महिलाएं काफ़ी भागीदारी लेती हैं। लठमार होली को बहुत ही बड़े चाव से खेला जाता है और होली की खूबसूरती मथुरा से ही निकलती है पूरे देश में, और ताकि मथुरा की होली पूरे देश में इसलिए चर्चा है। बहुत अच्छा सुनील जी, मुझे तो पता नहीं था बट मैं जान गई और मेरे ख्याल से पूरे पूर्णिया भी जान गए कि लठमार होली क्या होती है। और क्यों ना हम लोग भी थोड़ा सा लठमार होली का मजा। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक छोटी सी शुरुआत की हमने पूर्णिया में, देखते हैं कि छोटी सी हम लोगों ने जो छोटा सा एक झलक पूर्णिया में मथुरा की होली को एक बनाने की कोशिश की है यहाँ के बच्चे बच्चों को मिलाकर, खास इसमें भी खासकर महिलाओं की भागीदारी। बिल्कुल सुनील जी, अभी लठमार होली इतनी प्रचलित हो चुकी है हमारे संस्कृति में कि लोग इसको खेलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है उनके अंदर। और लठमार होली एक कृष्ण राधा की छोटी सी प्यारी सी नटखट सी छेड़खानी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे बीच हमारे पूर्णिया के कलाकारों द्वारा भी खेली गई है। और इसमें खासकर लड़कियां इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, हमारी जो भी महिलाएं हैं घरेलू महिलाएं तक भी लठमार होली को काफ़ी इंजॉय कर रही है और काफ़ी उत्साह के साथ लठमार होली खेल रही है। तो चलिए इसके एक झलक हम लोग बिल्कुल बिल्कुल आप भी चलिए और हम लोग भी देखते हैं, सबको मिल के देखते हैं कि पूर्णिया में जो लठमार होली जो किया गया है कोसियालों की तरफ से, बस का उसका नज़ारा कितना खूबसूरत है, आप भी देखिए। Yeah!
रसिया बरजोरी है रे रसिया, अरे होरी है रे होरी है बरजोरी है रे रसिया। आज भी रज में होरी है रे रसिया, आज भी रज में होरी है रे रसिया, आज भी रज में होरी है रे रसिया। अपने अपने मंदिर से निकसी, अपने अपने मंदिर से निकसी, हाँ अपने अपने मंदिर से निकसी, अपने अपने मंदिर से निकसी। कोई श्यामल कोई गोरी है रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी है रे रसिया, अरे कोई श्यामल कोई गोरी है रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी है रे रसिया। आज भी रज में होरी है रे रसिया, आज भी रज में होरी है रे रसिया, आज भी रज में। काम के कुंवर कन्हैया, कौन काम के कुंवर कन्हैया, अरे कौन काम की राधा गोरी है रे रसिया, कौन काम की राधा गोरी है रे रसिया, कौन काम की राधा गोरी है रे रसिया। नंदगाम के कुंवर कन्हैया, नंदगाम के कुंवर कन्हैया, नंदगाम के कुंवर कन्हैया, नंदगाम के कुंवर कन्हैया, अरे बरसान की राधा गोरी है रे रसिया, बरसान की राधा गोरी है रे रसिया, बरसान की राधा गोरी है रे रसिया, बरसान की राधा गोरी है रे रसिया। आज भी रज में होरी है रे रसिया, आज भी रज में होरी है रे रसिया, आज भी रज में होरी है रे रसिया। गुलाल लाल भए बादर, गुलाल लाल भए बादर, उड़त गुलाल लाल भए बादर, गुलाल लाल भए बादर, अरे मारत भर भर झोरी है रे रसिया, मारत भर भर झोरी है रे रसिया, मारत भर भर झोरी है रे रसिया, मारत भर भर झोरी है रे रसिया। आज भी रज में शाम के हाथ पे चकरा सोहे, शाम के हाथ पे चकरा सोहे, अरे राधा के हाथ कमोरी है रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी है रे रसिया, हाँ राधा के हाथ कमोरी है रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी है रे रसिया। आज भी रज में आज भी रज में होरी है रे रसिया।
भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, अरे जुग जुग जियो यह जोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी है रे रसिया, आज भी रज में होरी है रे रसिया, अरे होरी है रे होरी है बरजोरी है रे रसिया, होरी है रे होरी है बरजोरी है रे रसिया, होरी है रे होरी है बरजोरी है रे रसिया, होरी है रे होरी है बरजोरी है रे रसिया, आज भी रज में